हेलो दोस्तों, दास एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे टोटल जेके का 25 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा और एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जिसका आपको आंसर कमेंट में बताना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको ये भी देखना है कि टोटल 25 में आपके टोटल कितने बन पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, जो मुख्यमंत्री होता है उसका नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल के द्वारा जो मुख्यमंत्री होता है उसकी जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, तो वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि राज्यपाल की पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। जो राज्यपाल पद की शपथ लेता है तो वो किसके द्वारा दिलाई जाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, किसके द्वारा दिलाया जाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने किसी भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा की है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, वे कौन से मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने सबसे लंबी सेवा तक मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद पर रहे हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा ज्योति बसु। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा ज्योति बसु। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। जो मुख्यमंत्री के द्वारा कार्य किया जाता है तो वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उसको परिभाषित किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद 167। ठीक है, अनुच्छेद 167। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें अभी तक महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राज्य में केवल एक महिला मुख्यमंत्री बनी है, मतलब कौन सा राज्य है जिसमें अभी तक एक महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात की गई है। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने परसेंट आरक्षण की बात की गई है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 33%। ठीक है, कितना? तो ये 33%। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया। वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कर्नाटक। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था। राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1956 ईस्वी में। कब किया गया था? तो 1956 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए।
निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा प्रदान करता है? और ये अभी हट चुका है, ठीक है, अभी ये हट चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 370। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 370, और ये आपका हट चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित संख्या कितनी है? राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, टोटल 500। ठीक है, कितना है टोटल? 500। चलिए, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, तो आपको इस क्वेश्चन का आपको जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है, मतलब वह कौन सा राज्य है जिसमें राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर बताना है। और अगर आपको डिटेल में पता है तो आपको डिटेल में भी बताना है कि टोटल कितना है और वह कौन सा राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? वह कौन सा राज्य है जिसमें विधान परिषद है? क्वेश्चन नंबर 14। तो इस क्वेश्चन का आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक। आपको ऑप्शन से आपको आंसर बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्ष 2013 में कुल विधानसभा क्षेत्र कितने थे? जो राजस्थान था है उसमें 2013 में कुल विधानसभा क्षेत्र कितना था, इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। टोटल कितना था? तो 200 था आपका। ठीक है, टोटल आपका 200 विधानसभा क्षेत्र था। कहाँ पर? तो राजस्थान में। कब? तो 2013 में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? जो दिल्ली है उसमें कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टोटल 70। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, टोटल 70। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, राज्य विधानमंडल। ठीक है, राज्य विधानमंडल। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका भी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 6 सप्ताह। ठीक है, कितने दिन के लिए? तो ये आपका 6 सप्ताह के लिए लागू रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य नामित किए गए हैं? ठीक है, राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य शामिल सदस्य नामित किए जाते हैं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। तो देखिए, टोटल आपका 1 होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, टोटल 1। अगला क्वेश्चन है, संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? संविधान पर किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, राज्यपाल। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में संसद द्वारा कानून पारित किए जाने के बाद मध्य प्रदेश से काटकर बनाए गए राज्य का नाम है? वर्ष 2000 में संसद द्वारा कानून पारित किए जाने के बाद मध्य प्रदेश से काटकर बनाए गए राज्य का नाम है, तो उस राज्य का क्या नाम है? इस क्वेश्चन का, तो देखिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य का नाम हाल ही में परिवर्तित किया गया है? वह कौन सा राज्य है जिसका नाम हाल ही में चेंज किया गया है? ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके अनुसार राज्य विधानसभा परिषद और आपका
मतलब इसे बनाया जा सकता है या फिर इसे समाप्त किया जा सकता है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 159, ठीक है, अनुच्छेद 169, 169। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, राज्य का राज्यपाल, ठीक है, राज्य का राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तो सबसे पहले राज्यपाल, महिला राज्यपाल कौन बने थे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीमती सरोजिनी नायडू, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। वह कौन सा राज्य है जो योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मुख्यमंत्री, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, मुख्यमंत्री। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।